गाइज वेलकम टू मिस्टिक इन दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि वो उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस जो भी है इस रीडिंग में मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। लेकिन ध्यान रखना है कि एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, मैरिड हो अनमैरिड हो, आप सब लोग देख सकते हो जो इस वीडियो तक गाइड हुए हैं। या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी के व्हाट आर दे लाइक, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है उनके मन में। गाइस, इस चैनल पे हमारा वीडियो 9 PM को ही आता है, तो आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आप चैनल पे एक बार आके चेक ज़रूर किया करें 9 PM को, ठीक है, रोज़। क्योंकि होता है कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आ पाती तो आपको लगता होगा कि वीडियो नहीं डाली है, लेकिन मैं तो पोस्ट करती हूँ लेकिन उसकी नोटिफिकेशन अब तक नहीं पहुँच पाती। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे कनेक्टेड है रिवर्स में कंटेम्प्ट, पिटी, डिटरमाइंड, लव, ट्रैप्ड, लस्टफुल, और बॉटम ऑफ द डेक में है स्टबर्न। कार्ड्स को क्लैरिफाई करके हम देखते हैं। कनेक्टेड रिवर्स में क्यों है? वाई इज कनेक्टेड इन रिवर्स? ओके, पेज ऑफ स्वर्ड्स है और पेज ऑफ स्वर्ड्स है रिवर्स में, और टेन ऑफ पेंटिकल्स है अपराइट, और बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा लगता है आप दोनों डिसकनेक्टेड हो। आप दोनों के बीच में या तो बिल्कुल बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट हो सकता है, किसी ने किसी को ब्लॉक किया है, ऐसा हो सकता है। तो कनेक्शन तो मुझे यहाँ पे टूटा हुआ ही दिख रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि एक चीज़ तो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कनेक्ट लाइक कनेक्शन फिर से बने, और वो चाहते हैं कि बड़ी एफर्टलेसली बने, ज़्यादा जद्दोजहद ना करनी पड़े, ठीक है। वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं, वो चाहते हैं एफर्ट्स हो तो दोनों साइड से हो और बहुत कम एफर्ट्स में ही चीज़ें हो जाए, ठीक है। और वो आपके साथ ना एक बहुत ही लविंग और बहुत ही फ्रेंडली कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप दोनों में बहुत ही इंटेंस स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहे, बहुत एफर्ट्स डालने पड़े, बहुत मनाना पड़े, बहुत समझाना पड़े। दे वॉन्ट थिंग्स टू वर्क आउट ईजीली, एफर्टलेसली। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन ना कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अगर इस वक्त डिसकनेक्ट हुआ है, सेपरेटेड हो, नो कांटेक्ट में हो, तो ज़्यादा वजह तो मुझे यही लग रही है कि ये पर्सन ने ना आप पे इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। वो एक्साइटमेंट नहीं रही, वो अट्रैक्शन नहीं रहा, वो केमिस्ट्री नहीं रही, वो क्यूरियोसिटी नहीं रही, जिसके वजह से क्या हुआ कि रिलेशनशिप फेड होता गया या आप दोनों डिस्कनेक्ट होते गए, ठीक है। लेकिन अभी मैं जहाँ देख रही हूँ, मुझे इनका फोकस ना ज़्यादा लग रहा है अपने मतलब लव लाइफ से हट कर इनकी बाकी चीज़ों में ज़्यादा फोकस है। हो सकता है कि करियर में ज़्यादा फोकस है, अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस है। सो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्टेड तो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं चाहते कि मतलब वापस नहीं आना चाहते या वापस पहले जैसा रिश्ता नहीं बनाना चाहते। दे वॉन्ट टू, बट इट्स लाइक दे वॉन्ट थिंग्स टू वर्कआउट एफर्टलेसली, ज़्यादा एफर्ट्स ना डालने पड़े। आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। और कंटेम्प्ट क्यों आए हैं यहाँ पे?
ओह माय गॉड, कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं? सो मैं कार्ड्स नहीं लूँगी क्योंकि अच्छे से शफल नहीं कर पाई थी. देखते हैं कंटेम्प्ट क्यों आया है यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे दो कार्ड्स निकल के आए हैं, तीन हैं. जस्टिस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ. और बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. देखिए इस वक्त ना इस पर्सन के अंदर सबसे ज़्यादा फीलिंग या सबसे ज़्यादा इनके वो क्या सोच रहे हैं अगर मैं बताऊँ आपको, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो या आपके लाइफ में कुछ उनके सिवा कुछ बेटर हो रहा है. जैसे हो सकता है आप उनको ऐसा शो कर रहे हो कि भाई मैं आगे लाइफ में बढ़ रही हूँ, मेरी शादी हो रही है, या यू नो मुझे मैं जो डिज़र्व करती थी वही मुझे मिल रहा है, समथिंग लाइक दैट. या तो इनको शक हो रहा है आपके ऊपर ऐसा, या तो आप ऐसा दिखा रहे हो जानबूझ के कि देखो यार मेरे लाइफ में अच्छा हो रहा है, मेरे लाइफ में कुछ एक्साइटिंग हो रहा है, मैं शादी कर रही हूँ, कुछ मुझे मिल गया है, या मुझे किसी से प्यार हो गया है, समथिंग लाइक दैट. और ये चीज़ ना इट्स लाइक उनके अंदर ना थोड़ा गुस्सा भर रही है, थोड़ी सी जेलसी भर रही है, और आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इस पर्सन के अंदर. इस पर्सन के अंदर बहुत एक होती ना कि एक ख़राब लेवल की क्यूरियोसिटी कि अच्छा तुम मेरे बिना आगे बढ़ रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तो पता नहीं क्या ही कर रहे हो. तो दैट इज़ वॉट आई कैन सी दिस पर्सन फीलिंग राइट नाउ. ठीक है, स्पेशली मैं अगर आपको बोलूँगी कि आप ऐसा अगर शो कर रहे हो, झूठा मूठा अगर शो कर रहे हो, तो डोंट डू इट. क्योंकि उससे क्या हो सकता है उनके बीच, उनके अंदर आपको लेकर वो अट्रैक्शन कम हो सकता है, उनके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स कहीं ना कहीं फेड हो सकती है. सो इफ़ यू वांट कि वो मुझसे प्यार करे या मेरे लिए सेम अट्रैक्शन फील करे, जो है वही रियल दिखाओ. दिखावेबाजी में कहीं ऐसा ना हो जाए कि गलतफहमी के चलते वो गुस्से में आ जाए और वो खुद कुछ गलत कदम उठा ले. ठीक है, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू लूज दिस पर्सन. पिटी क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस पिटी हियर? सिक्स ऑफ कप्स है, एट ऑफ पेंटिकल्स है, और बॉटम ऑफ द डेक में फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स है. देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को बहुत हेल्पलेस फील हो रहा है, खुद के ऊपर ही कहीं ना कहीं दया आ रही है. क्योंकि अब इनको ना कहीं वैल्यू भी समझ आ रही है आपकी, जब आपसे आप इनसे दूर नहीं दूर हो, या पहले जैसा कम्फर्ट नहीं रहा, पहले जैसे यू नो अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं आपको, या आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं पहले जैसे. क्योंकि वो ना इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं. अगर आप मैरिड भी हो तो आपके बच्चों की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं. नाउ दे वांट टू वर्क हार्ड, मुझे ये एनर्जी बहुत दिख रही है. और मे बी उनको मौका नहीं मिल रहा अभी. अब वो क्या हो गया है कि अभी उनको काम तो करना है रिश्ते पे, लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा है. अब ये मौका या तो यूनिवर्स ही उनको नहीं दे रहा है, इसीलिए उनको खुद पे दया आ रही है कि यार तुझे काम तो करना है लेकिन तुझे मौका ही नहीं मिल रहा है, या तो आप इतने गुस्सा हो कि आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो और इनको मौका नहीं दे रहे हो रिश्ते पे काम करने के लिए. सो समथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग. लेकिन हाँ, इनकी इंटेंशंस बहुत अच्छी है. अब ये बहुत डेडिकेशन से इस रिश्ते पे के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपना डेडिकेशन दिखाना चाहते हैं आपके मन में, अपने लिए प्यार बढ़ाना चाहते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं. लेकिन इस वही मैंने बोला ना कि एक इंसान एफर्ट्स डालना चाहता है और दूसरा इंसान चांस ही नहीं देना चाहता. या तो ये आप हो सकते हो जो चांस नहीं देना चाहते और वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ऐसा मे भी फ्यूचर में हो सकता है. ठीक है, डिटरमाइंड क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे डिटरमाइंड क्यों है? ओके, ले लेते हैं कार्ड्स. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक में अगेन, बॉटम ऑफ द डेक रिवर्स में ही निकल के आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई. लेकिन हाँ, बॉटम ऑफ द डेक में एट ऑफ स्वर्ड्स है. देखिए मुझे क्लियरली यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन आपके साथ एक सॉलिड रिश्ता बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या फ्यूचर देखते हैं. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं. जैसे होता है ना कि मुझे तुम्हारे सपने पूरे करने हैं, मुझे तुम्हारे साथ फैमिली बनानी है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना है, घर बनाना है. सो दे हैव लॉट ऑफ ड्रीम्स फॉर यू, एंड उसको लेकर कोई भी डाउट नहीं है. दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि मुझे तुम्हारे लिए ये सब करना है. ठीक है, और ये आपका यू नो दे वॉन्ट टू बी अ मैन और दे वॉन्ट टू बी अ वुमेन, दे वॉन्ट टू वो आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं. ठीक है, वो आपको अपने पैसों से एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं. हाँ, आप कमाते हो, आपके पास पैसे हो भी सकते हैं, लेकिन दे वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू ऑन देयर ओन, अपने खुद के कमाई से, अपने खुद के पैसों से. एंड
मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस वक्त ना कहीं अगर आपसे दूर भी है, इफ़ दे नॉट टॉकिंग टू यू, ये वक्त लगा रहे हैं अपने सेल्फ बिल्डिंग पे, लाइक अपने लाइफ को बिल्ड कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, खुद के अंदर झांक रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, खुद को प्यार दे रहे हैं. ठीक है, बहुत डीप थिंकिंग में दिख रहे हैं ये पर्सन, और जितना डीपली सोच रहे हैं आपके बारे में उतना ही इनका प्यार बढ़ता भी जा रहा है, और इतने सीरियस होते जा रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर समवन जो उनके नज़रों में उनको लगता है कि आप ही उनके लाइफ पार्टनर बनने के लायक हो, और आप ही वो पोजीशन डिज़र्व करते हो उनकी लाइफ में. ओके, एंड ये आपको और कंसिस्टेंसी देना चाहते हैं और दिल से प्यार देना चाहते हैं. ठीक है, बट इट्स लाइक के मुझे लगता है ये पर्सन ना अभी खुद के माइंडसेट में जो नेगेटिविटी है उससे बाहर निकलने की जद्दोजहद में है, जो खुद को विक्टिमाइज़ करके रखा है, या जो ब्लॉकेजेस है उनके अंदर या उनके अराउंड इस रिश्ते में, वो उससे लड़ रहे हैं. दे आर कमिंग आउट ऑफ दैट. ठीक है, जिससे उनका और भी प्यार कह लो या फ्यूचर को लेकर जो उनके थॉट्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं. व्हाट इज़ दिस लव ऑल अबाउट? क्यों है प्यार यहाँ पे? ओके, द डेविल, टू ऑफ, ओ माई गॉड, टू ऑफ कप्स विद डेविल एंड बॉटम ऑफ द डेक में नाइन ऑफ कप्स है. देखिए, एक चीज़ तो है, ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे. आज ये रीडिंग जो कोई भी देख रहा है ना, आई एम 100% श्योर, मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ कि ये इंसान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कैसे भी. दे विल स्ट्राइव टू बी इन योर लाइफ, ये आपके लाइफ में रहने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे. दे आर सो अटैच टू यू, चाहे आपने इनके साथ एक महीना बिताया हो, एक साल बिताया हो, या कई साल बिताए हो, या कई महीने बिताए हो, एक दिन भी बिताया होगा ना, दे आर सो अटैच टू यू कि ये आपसे बहुत प्यार करते हो, और आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप इनको कंप्लीट फील कराते हो, और ये आपके साथ ही प्यार में रहना चाहते हैं. मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर इनकेस, भगवान ना करे, अगर आप दोनों की शादी ना हो, तो भी ये इंसान आपसे ही प्यार करेंगे, या आपको ही अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस वो जगह देंगे प्यार वाली. ये अपने वाइफ या हस्बैंड से भी प्यार नहीं करेंगे जितना प्यार ये आपसे करते हैं. सो दैट इज़ द लेवल ऑफ लव दे हैव फॉर यू. एंड मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि ये पर्सन अब डिसीजंस जो ले रहे हैं आपको लेकर, वो काफ़ी इमोशनल होकर ले रहे हैं, और वो आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि आप दोनों के दिल मिले, हारमनी में आओ आप दोनों, आप दोनों के विचार भी मिले, और कहीं ना कहीं वो आपके साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन का कुछ नेगेटिव पैटर्न है. ठीक है, हो सकता है ये बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिंग है. ठीक है, लेकिन ये ना आपको अपने प्यार में फंसा के रखना चाहते हैं. मतलब लिटरली ये इस शब्द से दूसरा शब्द मुझे कोई और बेटर नहीं मिल सकता. ये आपको अपने साथ फंसाना चाहते हैं, ये आपको अपना बना के रखना चाहते हैं. एंड मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि इफ़ दिस इज़ नॉट समथिंग यू वॉन्ट, आप नहीं बच सकते इससे. आप एक ट्रैप में फंस चुके हो विद दिस पर्सन, एंड आप इससे अपने आप को नहीं छुड़ा पाओगे. दिस इज, ये इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है कि आप इनसे अपने आप को छुड़ा पाओगे. ठीक है, आपको इनके साथ ही रहना पड़ेगा. ट्रैप्ड क्यों है? ओके, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में अगेन टू ऑफ वंड्स इन रिवर्स. मैं बोल रही हूँ ना, बॉटम ऑफ द डेक में सारे रिवर्स में आ रहे हैं निकल के. देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि देखिए, इनको ना आपसे बहुत प्यार है. जैसे मैंने अभी बोला आपको, अलग से बताने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है. दिस पर्सन लव्स यू टू एनी, लाइक एनी थिंग. लेकिन इस वक्त ये थोड़ा सा मेंटल एक प्रिजन में है, ट्रैप्ड है. हो सकता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कुछ चीज़ें हैं जो इनको रोक रही है, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ओपनली ना ये खुलकर निकल कर आ नहीं पा रहे, और अपना प्यार जता नहीं पा रहे, या आपको प्यार दे नहीं पा रहे हैं. या तो ये मेंटल ट्रैप है, या तो ये कुछ कुछ लोग हैं जो इनको आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं. कुछ तो है, देयर इज सम, क्या कहते हैं उसको, मजबूरी. सम मजबूरी इज़ देयर डेफिनेटली, क्योंकि आप ही इनको कंप्लीट फील कराते हो, आप ही इनको सुकून फील कराते हो, आपके साथ ये कंप्लीट फील करते हैं, और ये अपने दिल की आवाज़ सुन भी रहे हैं, इनको प्यार भी चाहिए आपका. बट द प्रॉब्लम इज़ के कुछ तो यहाँ पे, एक मुझे ये चीज़ भी नोटिस हो रही है काफ़ी टाइम से, कि कुछ ना आपके बारे में इस पर्सन को पहले लगता था, जो अब इनके, मतलब वो चीज़ अब इनको आपके बारे में थोड़ा कम लगती है. मतलब मैं एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे, कि पहले ना इस पर्सन को आपके लिए ऐसा लगता था कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा सा वो
वो जो फीलिंग है कि आप एक अच्छे इंसान हो, बहुत काइंड हार्टेड हो, उस पर कहीं ना कहीं दाग लग गया है, या वो उस पर कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी वहाँ पे ख़राब हो गई है, सो टू से। एंड मतलब आपके बारे में कुछ आइडियोलॉजी है इस पर्सन की, उस पर कहीं ना कहीं धक्का लग गया और दैट इज़ वॉट इज़ स्टॉपिंग दिस पर्सन। ठीक है, लस्टफुल क्यों है? आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ या आप अच्छे से समझ पा रहे हो। लस्टफुल क्यों है यहाँ पे? ओके, बॉटम ऑफ द डेक में द जजमेंट है और सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक में द मून है और जजमेंट कार्ड निकल गया है अपराइट। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि देखो, सबके लिए नहीं होगा। अगर आपको ये चीज़ पहले से पता है कि इनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, लाइक द थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी है इनके लाइफ में जो इनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, ठीक है, ये फिर से बता रही हूँ, मतलब बिल्कुल भी कमेंट्स में फालतू बातें मत करना, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको पता है कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में, और ये थर्ड पार्टी, आपको ये भी पता है कि ये थर्ड पार्टी इनसे प्यार नहीं करती है, लस्ट या पैसों के लिए इनके साथ है। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये इनकी कार्मिक है, ये पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो थर्ड पार्टी है यही आपके लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, इसके वजह से ही काफ़ी ज़्यादा एक नतीजे तक आपका लव लाइफ पहुँच नहीं पा रहा है, या एक जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, या बहुत चैलेंजिंग हो रहा है। ओके, एंड ये जो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता है ये जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है धुंधला पड़ता जा रहा है, फेड होता जा रहा है, इट्स जस्ट गायब होता जा रहा है, ठीक है। सो डोंट वरी, बहुत जल्द आपके पर्सन सही डिसीजन लेंगे आपको लेकर या इस थर्ड पार्टी को लेकर। स्टबर्न क्यों है? गाइज, मैं एक चीज़ बोलना भूल ही गई, हैप्पी गणेश चतुर्थी सबको, मैंने बोला ही नहीं। मैं हमेशा ना फेस्टिवल्स जब भी आते हैं मैं विश करना भूल जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वीडियो एक दिन पहले शूट किया होता है या ऐसा हो जाता है, तो इसीलिए मैं विश करना भूल भी जाती हूँ, या कभी कभी वो दिन नहीं होता है उस दिन तो मैं नहीं करती हूँ विश, ऐसा भी होता है। सो आज है तो मैं आपको बोल देती हूँ हैप्पी गणेश चतुर्थी। पप्पा, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, गुड हेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, और आपको बहुत सारी करियर, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए आपकी लाइफ में। और आपके मन में जो भी गलत सलत थॉट्स है या नेगेटिविटी है वो सारी निकल जाए और आप पॉजिटिव हो जाओ, हैप्पी रहो, और आपकी फैमिली भी हैप्पी रहे, और आप जिनसे प्यार करते हो वो भी हैप्पी रहे आपके साथ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में द मजिशियन और रिवर्स आया है द टेम्परेंस। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन का एक प्रॉब्लम है कि ये पर्सन बहुत ज़िद्दी है, बहुत इम्पल्सिव है, बहुत इमेच्योर है, किसी की बात नहीं सुनते, अपनी बात चलाना चाहते हैं। लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इनको कुछ बोलने जाते होंगे अपने कान पे हाथ रखते हैं कि मुझे नहीं सुनना, मुझे मत बताओ, मतलब इनको प्रॉब्लम्स के बारे में सुनना नहीं है। आप कुछ अच्छा बताने जा रहे हो तो आपकी सुननी नहीं है, माननी नहीं है, और इस वजह से कई बार क्या होता है आपका रिश्ता ठीक होने से पोस्टपोन हो जाता है, डिले हो जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता बहुत ही ब्लेस्ड है, बैलेंस हो सकता है, बहुत हैप्पी आप दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हो, या एक बहुत ही हैप्पी यूनियन में आ सकते हो, बट क्योंकि पर्सन बहुत स्टबर्न है ये चीज़ जल्दी नहीं हो पा रही है, होगी लेकिन अभी इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि ये ना आपको सिर्फ अपना बनाने में, कंट्रोल करने में, मैनिपुलेट करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। उसके सिवा, उसके बजाय अगर ये आपको प्यार दे, हील करे, प्यार से चीज़ों को संभाले तो चीज़ें बेटर हो सकती है। सो या, अब हम कुछ लव मैसेजेस देखते हैं, रीडिंग को एंड कर देते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। देखिए, डेफिनेटली ये पर्सन कमिंग टाइम में, अगर मैं बात करूँ इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, तो ये पर्सन धीरे धीरे मुझे आपकी तरफ बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं, और इनके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखोगे आप, क्योंकि प्यार है बेसिकली, बस इनके जो नेचर है वो थोड़ा सा, जब चीज़ें कूल डाउन हो जाएगी, जब ये थोड़ा ग्राउंडेड हो जाएंगे, हील हो जाएंगे, तो चीज़ें बेटर होंगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे पहले ही दो मैसेजेस आ चुके हैं, आई क्राई फॉर यू बट नो बडी नोज, तो ये रोते हैं आपके लिए लेकिन किसी को दिखाते नहीं है या किसी को पता नहीं चलता है। आई नो यू मिस मी, तो डेफिनेटली इनको लगता है कि आप इनको मिस करते हो। आई वॉन्ट टू मेक यू
आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, तो ये आपके साथ लाइक प्यार भरा रिश्ता बनाना भी चाहते हैं और फिजिकली भी यू नो इंटीमेट होना चाहते हैं. प्लीज़ फॉर गिव मी एंड कम बैक, तो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे माफ़ कर दो. वॉट मोर डू वी हैव? डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीजेज डे बाई डे. तो डिस्टेंस तो है, दूरियाँ तो है हम दोनों के बीच में, लेकिन मेरा प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. ओके, वॉट मोर डू वी हैव? आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, तो इसको क्लेम करो. यही लिखो कि यू नो कॉन्टैक्ट, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखो, ये ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे जल्दी. यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट, तो आप सबसे ब्यूटिफुल पर्सन हो. आई विल हील ऑल योर पेन, तो मैं तुम्हारे सारे जो दर्द है उसे मैं हील कर दूंगा, ऐसा बोल रहे हैं. तो उनको पता है बेसिकली, दे नो के कैसे आपका दिल जीतना है, कैसे आपको मनाना है, कैसे आपको समझाना है, एवरीथिंग. Why I didn't understood your love, now I regret. तो क्यों मैं तुम्हारा प्यार समझ नहीं पाया, अब उनको regret हो रहा है. And you are the best thing that life has given me. तो इनको लगता है कि ज़िंदगी ने मुझे अगर कोई best चीज़ दी है तो वो तुम हो. और bottom of the deck में wish I could rewind everything and do better. See, इनको ये भी पता है कि इन्होंने past में कुछ गलतियाँ करी है, और इनको लगता है कि मुझे अगर मौका मिला rewind करके, अगर मैं past में जा सकूँ तो मैं उन गलतियों को सुधारना चाहता हूँ या सही से चीज़ों को करना चाहती हूँ या चाहता हूँ. सो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा. और अगर आप चाहते हो ये पर्सन जल्दी से कांटेक्ट करे, तो कांटेक्ट या कांटेक्ट सून ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में. मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. स्टे ब्लेस्ड.